हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन होम्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 फीट बाई 25 फीट की हॉल डिजाइन, जिसकी स्क्वायर फीट बनेगी 325 स्क्वायर फीट। और इसे हम गज में कन्वर्ट करते हो तो ये बन जाएगी आपकी 36 गज। दोस्तों, ये जी प्लस फर्स्ट फ्लोर बनाने में आपको अप्रोक्स 7 से 8 लाख रुपये लागत लग जाएगी। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं नए नए हाउस प्लान हाउस डिजाइन लाते रहता हूँ जो आपके लिए यूजफुल होगी। हो सकता है फ्यूचर में आप कभी ना कभी घर बनाओगे जो आपको एक अच्छी हाउस प्लान हाउस डिजाइन की दरकार पड़ेगी, जो इस चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और इस हाउस का प्लान डाउनलोड करना है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके हाउस प्लान डाउनलोड कर ले बिल्कुल फ्री। और दोस्तों, फ्रंट एलिवेशन देखने के बाद, घर का डिजाइन को समझने के बाद, हम लोग घर का अंदर का डिजाइन को भी समझेंगे कि किस तरह से हमने घर को अंदर से डिजाइन किया है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्केप ना करें और वीडियो को इंजॉय करें। तो चलिए दोस्तों, आप घर के अंदर चलते हैं और घर के अंदर का डिजाइन को समझते हैं कि किस तरह से हमने बेडरूम, किचन, बाथरूम, स्टेयर एरिया को डिजाइन किया है। ओके दोस्तों, तो पहले हम लोग फ्रंट एलिवेशन को समझ लेते हैं। फ्रंट में दोस्तों आपको डोर मिल जाता है इंटर करने के लिए, इस तरफ आपको विंडो मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए। तो नीचे में हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर में हम लोग आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से बालकोनी का डिजाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमने रेलिंग का डिजाइन करी है, ठीक है दोस्तों। और छत पे आते हैं तो छत में भी आपको रेलिंग का डिजाइन मिल जाता है कुछ इस तरह से बालकोनी में, ठीक है। और साइड में देखिए कुछ इस तरह से आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। और इस तरफ दोस्तों हमने सीढ़ी रूम डिजाइन करिए, यानी कि स्टेयर रूम हमने इस तरफ डिजाइन करिए, तो हमने यहाँ पर विंडो डिजाइन करिए स्टेयर रूम पे, ठीक है। तो फ्रंट एलिवेशन को समझने के बाद चलिए ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने फ्लोर लेवल को ग्राउंड लेवल से 1 फीट ऊंचा करके बनाया है। तो यहाँ पर आपको 2 सीढ़ी चढ़नी होगी अपने फ्लोर लेवल पर आने के लिए। तो सीढ़ी की हमने साइज रखी है 6-6 इंची, दोनों को मिला के 1 फीट होता है। 1 फीट में के बाद आप अपने फ्लोर लेवल पर आ जाइएगा। और यहाँ पर आपको डोर नज़र आता होगा दोस्तों, यही डोर से हम लोग घर के अंदर इंटर करेंगे। ये डोर की हमने साइज रखी है 3 फीट चौड़ाई, हाइट रखी है 7 फीट, यानी कि स्टैंडर्ड साइज हमने रखी है। तो चलिए ये सामने वाला डोर से हम लोग इंटर करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग ये डोर से इंटर किए तो हम लोग को मिल जाता है सबसे पहले स्टेयर रूम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से स्टेयर रूम को डिजाइन करी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने स्टेयर एरिया का साइज रखी है, ये देखिए, जिसकी साइज आपको मिल जाती है 11 फीट 4 इंच बाई 6 फीट, ठीक है। तो दोस्तों, हम स्टेयर एरिया को समझने के बाद स्टेयर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो स्टेयर की दोस्तों जो पैर रखने वाली स्टेप है, इसकी हमने साइज रखी है 10 इंची, जो स्टैंडर्ड साइज है। और स्टेयर की राइजर हाइट हमने रखी है 7.5 इंची, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से होते हुए हम लोग अपने छत पर चल जाएंगे और फर्स्ट फ्लोर पर चल जाएंगे। और यहाँ पर ही आपको रेलिंग मिल जाता है सेफ्टी के लिए स्टेयर पे। तो दोस्तों, स्टेयर एरिया को समझने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक डोर नज़र आएगी जो आपकी घर के अंदर इंटर करेगी। ये डोर की आपको साइज मिल जाती है 3 फीट चौड़ाई, हाइट मिल जाती है 7 फीट। इस डोर से हम लोग इंटर करेंगे तो हमें मिल जाती है किचन। किचन की साइज आप हमने रखी है 6 फीट 11 इंच बाई 6 फीट 6 इंच, काफ़ी अच्छी साइज की आपको किचन मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ इस तरह से गैस स्टोव का सेटअप किया खाना वगैरह बनाने के लिए, और यहाँ पर हमने सिंक का सेटअप किया बर्तन वगैरह धोने के लिए। और किचन की वेंटिलेशन और रोशनी के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने 3 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो भी डिजाइन करी है। ये विंडो आपकी ओपन होगी स्टेयर के नीचे में, ये देखिए आपको यहाँ पर विंडो मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, किचन को समझने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे किचन से। यहाँ पर आपको एक डोर नज़र आएगा जो आपकी बेडरूम की डोर है। ये डोर की साइज हमने रखी है 3 फीट चौड़ाई, हाइट 7 फीट। और इस डोर से इंटर करते हैं तो हम लोग पहुँच जाते हैं दोस्तों अपने बेडरूम पे। बेडरूम की साइज दोस्तों आपको मिल जाती है 11 फीट 4 इंच बाई 10 फीट, काफ़ी अच्छी साइज की आपको बेडरूम मिल जाती है। बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखिए 3 फीट बाई 4 फीट का विंडो मिल जाती है, ठीक है। और इस बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथरूम मिल जाता है, ये है बाथरूम की डोर। ये डोर की साइज हमने रखी है 2 फीट 6 इंच चौड़ाई और हाइट रखी है 7 फीट। ये डोर से हम लोग इंटर करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे अपने बाथरूम पे, ठीक है दोस्तों। तो बाथरूम की साइज दोस्तों आपको मिल जाती है 4 फीट बाई 6 फीट 6 इंच, काफ़ी अच्छी साइज की आपको बाथरूम मिल जाती है। तो बाथरूम के वेंटिलेशन के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर 2 फीट बाई 2 फीट का विंडो भी डिज़ाइन करी हुई है। और कुछ इस तरह से आप WC का सेटअप कर सकते हैं ये सामने वाला वॉल पे, और कुछ इस तरह से शावर का सेटअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या मिल जाता है,
ग्राउंड फ्लोर पे दोस्तों आपको मिल जाता है इंटर करने के बाद स्टेयर रूम। स्टेयर रूम के बाद दोस्तों आप अंदर चलते तो हम लोग को मिल जाता है यहाँ पर किचन। किचन से अंदर चलते तो हमें मिल जाता है बेडरूम। बेडरूम के बाद आपको इस तरफ मिल जाता है बाथरूम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आए हैं इस स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर में भी आपको सेम एज इट इज ग्राउंड फ्लोर का जैसा डिजाइन मिल जाता है। यहाँ पर स्टेयर रूम मिल जाता है, यहाँ किचन मिल जाता है, किचन के बाद बेडरूम, बेडरूम के बाद बाथरूम। ठीक है दोस्तों, दोस्तों स्टेयर हमने फ्रंट में इसलिए डिजाइन किया है, आप चाहें तो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर को रेंट में भी दे सकते हैं या दो भाइयों के लिए भी डिजाइन बनवा सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं छत पे यानी कि टेरिस पे। तो देखिए छत पे दोस्तों हमने स्टेयर रूम को कुछ इस तरह से डिजाइन करी है। यहाँ पर दोस्तों स्टेयर रूम की हमें डोर मिल जाती है, इसी डोर से हम लोग आएंगे अपने छत पे। तो ये देखिए दोस्तों, आपको 13 फीट बाई 25 फीट का इतना बड़ा छत मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमने यहाँ पर बालकोनी डिजाइन करी है छत पे, जो 2 फीट हमने बाहर निकाल के बनाई है छत पे, और फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने बालकोनी डिजाइन की है जो 2 फीट हमने बाहर निकाल के बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये 13 फीट बाई 25 फीट की हाउस प्लान हाउस डिजाइन आपको अच्छी लगी होगी। और भी अच्छे अच्छे हाउस प्लान हाउस डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।